एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता को लेकर गंभीर हैं और स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे हैं, परंतु मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम पंचायतों में इसका असर कम ही देखने को मिल रहा है। जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और फिर भी पंचायतों के जिम्मेदार मूक दर्शक होकर बैठे हैं। वहीं खासकर इन दिनों जिले में डेंगू का कहर दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अब तक सर्वाधिक डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं मरीजों की संख्या में भी दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। फिर भी ग्राम पंचायतें सबक लेने को तैयार नहीं। मंगलवार को टीम ने मल्हारगढ़ तहसील के बालागुड़ा, बही, कनगट्टी, हिंगोरिया, बिल्लोर सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा किया तो हकीकत कुछ और ही नजर आई। गांव-गांव में जगह जगह रहवासी इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए थे और गंदा पानी भरा हुआ था, जिससे कि मच्छर पैदा हो रहे हैं जो कि बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। शायद जिम्मेदारों की नज़र अब तक इस ओर नहीं पड़ी। अगर समय रहते साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में बीमारियों के साथ साथ डेंगू जैसी बीमारियां और अधिक बढ़ सकती हैं। ग्राम पंचायत में हमने परसों सचिव, सहायक सचिव और प्रधान की बैठक करी है। सारी पंचायत को निर्देशित किया कि भाई जहां पानी रुका है पानी की निकासी कर दें और गड्ढे हो या कुछ हो तो वहाँ क्रूड ऑयल डालें ताकि डेंगू मच्छर के लार्वा नष्ट हो। साफ सफाई प्रतिदिन कराई जाए और प्रत्येक गांव में गांव स्तर पे एक हमने दल गठित किया है जिसमें सचिव, सहायक सचिव, पटवारी, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं और ग्राम पंचायत को जहाँ शिकायत मिलती है वहाँ साफ सफाई करा रहे हैं और साफ सफाई प्रतिदिन बहुत सी जगह जैसे रूढ़ी वगैरह में कचरा रखते हैं पास पास गाँव में, उसके लिए नहीं जहाँ भी ऐसी शिकायतें मिलती है कचरा हटवाएंगे। ठीक है, आपका नाम सर? MS ठाकुर, CEO जनपद पंचायत मल्हारगढ़ मंदसौर। ठीक है, कैसे गाँव साहब? पहला वगैरह क्या बीमारी? डेंगू और मलेरिया हो रहा है। टेढ़ा मगरा। पूरा गांव भी बीमार है क्या? पूरा गांव कोई सरपंच मंत्री को इसकी सुनता ही नहीं है। हमने जगह कितनी बार बोला कि दवाई छिड़को। हाँ भैया, कहाँ से आए? क्या हुआ? ठीक है। हाँ भाई, कहाँ से आए? पेड़ा मगरा, सब पेड़ा मगरा।